हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 06, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। और लेक्चर नंबर 05 में हमने एज पे प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 06 में भी हम एज पे ही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है, 20 years ago Tina age was 1/3 of what it is now. Tina present age is, क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 20 साल पहले टीना की जो एज थी वो कितनी थी, 1/3 उसकी एज से। तो बताइए प्रेजेंट एज क्या होगा। ठीक है, फिर से समझाते हैं। क्या कह रहा है कि जो 20 साल पहले टीना की एज थी वो उसकी एज से 1/3 एज थी, तो बताइए कि उनका प्रेजेंट एज क्या रहा होगा। ठीक है, करें, शुरू करें। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को मानोगे। ठीक है, लेट The present age of Tina, लगती है मीना, is, अच्छा BX years कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लेक्चर जितने हमने लेक्चर नंबर 05 में जितने क्वेश्चन हमने सूट किए किसी में ईयर्स नहीं लगाए, कोई बात नहीं बेटे, क्वेश्चन जैसा था उस ऑप्शन जैसा था उसके हिसाब से हमने ऑप्शन को कॉपी किया है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूं अलग अलग से करूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 साल पहले तो टीना क्या है, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू अपने एज के वो 1/3 थी। ठीक है, तो x हो गया इंटू 1/3। देखो इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, बात एक ही। ठीक है, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, मान के x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। x बाई 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और माइनस 20 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, x प्लस तो माइनस x बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 20 है तो प्लस 20 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, 1 की टेबल में 3 कितनी बार में, 3 बार में, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ और 3 बन जाए 3। ठीक है, माइनस लिख दिया पहले, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 1 ही मिलेगा इज इक्वल टू 20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मर्जी आपका चलेगा जैसा आप चाहते हो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई 3x को करेंगे तो 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई x को करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ऐसे ही रहने देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 3। अच्छा कट गया, चलिए तो x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। देखो मल्टीप्लाई में था, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, और जीरो है तो जीरो लगा दिया, या 2 10 जा 20, जैसा आप पढ़ना चाहो, जैसा आप खुद को सोचोगे वैसा पाओगे, यह हमेशा याद रख लेना। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 3, x इज इक्वल टू 30 ईयर। कोई है ऑप्शन, कोई है चेक करो जरा, ऑप्शन बी बड़ा सही है। तो देखो भाई यह है एज का क्वेश्चन और ऐसे ही आपको करना है सॉल्व। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिखा 15 years फ्रॉम नाउ रवि इज विल बी 4 times द एज 15 year अगो फ्रॉम नाउ, चला गया ऊपर है ना। चलो पूरा पढ़ ही लेते हैं। द प्रेजेंट इज कह रहा है हमसे कि 15 साल बाद रवि का जो एज था ठीक है वो 4 गुनी था 15 साल पहले के एज के। तो प्रेजेंट एज क्या होगा, फिर से समझाऊंगा, क्वेश्चन मजेदार का है। कह रहा 15 साल बाद जो रवि का एज था ठीक है वो 15 साल पहले के 4 गुनी के बराबर थे, तो बताइए उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। नहीं समझ में आया, मैं लिख के समझाता हूं। देखो सबसे पहले या तो मान लो, लेट द, यदि प्रेजेंट एज ऑफ रवि जी, रवि लगता है कवि, रवि एज लिख चुका है ना, बी एक्स ईयर ठीक है, ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मैंने सिखाया था, हमने आपको यह सिखाया कि अगर नाउ है, हैंस है, लेटर है, आफ्टर है तो ऐड करना है। पहले ऐड करो, x+15 इज इक्वल टू एक्स, देखो अब यहां आ गया मैं, यहां तक काम कंप्लीट हो गया, कहां तक हो गया, यहां तक ठीक है, वहां फुल स्टॉप नहीं है लेकिन समझा रहा हूं, यहां तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, विल बी 4 times द एज 15 year अगो फ्रॉम नाउ ठीक है। तो x-15 करोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है, तो x+15 इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई x से करोगे 4x, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो 15 चौक 60। 4x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ और 15 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, इसको लेफ्ट इसको राइट, इसको लेफ्ट इसको राइट। तो x-4x इज इक्वल टू -60, 15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएंगे। सबट्रैक्ट करोगे -3x इज इक्वल टू -75, माइनस से माइनस कैंसिल ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 ईयर। रवि जी का एज कितना था, 25 ईयर ठीक है। रवि कह लो कवि कह लो कोई बात नहीं यार, चलेगा ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, दो क्वेश्चन हमने कराए हैं ठीक है, और क्वेश्चन कराएंगे। ऑप्शन आपका सी सही है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है, अ मैन इज 5 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ एंड द वाइफ इज नाउ थ्राइस एज ओल्ड इज देयर डॉटर इज 10 ईयर्स ओल्ड। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आदमी अपनी वाइफ से 5 times बड़े हैं और उसकी वाइफ अपनी बेटी से 3 times बड़ी है, और जो उसकी डॉटर की एज है वो 10 ईयर्स है। हाउ वर्ल्ड वॉज द मैन वैन हिज डॉटर वॉज बॉर्न। तो हमें ये बताना है कि उस आदमी का क्या एज रहा होगा जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझो ठीक है। कह रहा है कि एक आदमी जो है अपनी पत्नी से 5 साल बड़े हैं जबकि उसकी पत्नी बेटी से 3 गुनी बड़ी है जब उसकी बेटी 10 साल की थी। तो हमें यह बताना है कि उस आदमी का क्या एज रहा होगा जब उसकी बेटी पैदा हुई थी ठीक है।
मजेदार क्वेश्चन है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है उस आदमी का, यानी कि एक्चुअल में उनके फादर का एज अपने को बताना है, जब वो पैदा हुई थी तो कितने एज के थे उनके फादर, ये बताना है अपने को। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले कुछ हम कंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि लेट दी मैन को मैं फादर लिख दूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। लेट द प्रेजेंट, चलो वही लिख दूंगा, प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड वाइफ इज बी, 5 साल पहले की बात हो रही है या बाद की बात हो रही है? ओल्डर, ठीक है, पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फाइव ईयर्स, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आ जाएंगे ये ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अपने को करना क्या है, ठीक है, वाइफ एज, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा दिया, प्रेजेंट एज हमने माना था एक्स ईयर, ठीक है, अब डायरेक्ट हमें करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था कि एक्स पहले की बात हो रहा है, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू उसकी जो डॉटर की एज है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई, सॉरी, जो उसकी वाइफ की एज है उसकी डॉटर की एज से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो अपना काम बन जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूं, 3 टाइम्स ऑफ डॉटर इज, डॉटर इज, ठीक है, वही काम कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं। तो वाइफ है एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डॉटर, डॉटर कितनी है, 10 साल की थी, है ना, 10 साल की उसकी डॉटर थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ये आ जाएगा 30, और एक्स, सॉरी एक्स कह रहा हूं, फाइव को आप राइट पे शिफ्ट करें तो एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस तो प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35, ठीक है, ये तो आया यार। देखो उसकी बीवी कितने साल की थी, 25 की, और उसके जो हस्बैंड थे वो 30 साल के, तो बेटी जो है, जब बेटी पैदा हुआ उस टाइम का हमें एज निकालना है, 25 का होना चाहिए, है ना, 10 साल घटा देंगे इसमें, ठीक है, देयरफॉर द मेन एज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 35 माइनस डॉटर एज, ठीक है, तो डॉटर एज कितना था, 10 साल का, कितना आ जाएगा, 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल का था जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, कितने साल की, 25 साल की, 25 साल था उस आदमी का, ठीक है, जब उनकी बेटी पैदा हुई, बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो, नहीं है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, इस तरीके से आपको क्या है कि सॉल्व करने का जो है ना आपको आना चाहिए, आगे में चलते हैं, हमसे कह रहा कि द प्रेजेंट एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन इज 14 ईयर्स, ठीक है, बाप और बेटे दोनों के एज का जो डिफरेंसेस है फादर और सन का वो कितना है, 14 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:3 आफ्टर 11 ईयर, ठीक है, 11 साल के बाद में जो दोनों का रेशियो हो जाएंगे फादर और सन का वो 4:3 हो जाएंगे, हाउ ओल्ड इज सन नाउ, तो हमें ये बताना है कि कितने साल का उनका जो है वो बेटा है अब, फिर और आसान करते हैं, हमसे कह रहा है कि फादर और सन का जो प्रेजेंट एज का डिफरेंस है वो 14 ईयर्स का है, ठीक है, आगे में कह रहा है कि 2 11 साल के बाद में दोनों का जो एज का
रेशियो होगा वो 4/3 हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए कि करंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में बेटा कितने साल का होगा, ये हमें निकालना है। तो क्या करना चाहिए, हमें पहले मान लेना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस है कोई बात नहीं है। अगर डिफरेंस ना दिया रहता तो एक्स माइनस 14, सॉरी 14 माइनस एक्स कर देते फादर में, अब यहाँ पे डिफरेंस है तो एक्स प्लस 14 करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर एंड फादर इज बी एक्स प्लस 14 या 14 प्लस एक्स, ठीक है, मैं अरेंजमेंट करके लिखा हूं। अगर माइनस होता तो पहले 14 को ही रखता, ठीक है, 14 में हम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते, ईयर, ठीक है, ईयर्स, यहां भी ईयर्स लगा दो, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहा है कि 11 साल के बाद में इन दोनों का जो एज है वो 4:3 हो जाएंगे, ठीक है, 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4/3, कितने साल के बाद हो जाएंगे, 11 के बाद, ठीक है। तो 11 यहां भी जोड़ दो और 11 यहां पे भी जोड़ दो, ठीक है, ऐसा करना है आपको सॉल्यूशन। तो x प्लस, इसको ऐड करेंगे तो भाई 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 इज इक्वल टू 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करते हैं, इसको सही से कर दो, एरो ने इसको बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 times of x plus 25 इज इक्वल टू 4 times of x plus 11, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो मल्टीप्लाई करो, तो 3 को मल्टीप्लाई x से करेंगे, 3x plus 3 को मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो आ जाएगा ये 75, ठीक है, 75 इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ में, किया जाएगा 4x, 4 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो यह आ जाएगा 44। कॉन्स्टेंट वाले टर्म को एक तरफ ले आइए और जो आपका वेरिएबल है उसको आप एक साइड पे लेके आए, ठीक है। तो 3x plus 4x है, -4x हो जाएगा इज इक्वल टू 44 कॉपी प्लस, तो -75, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे -x इज इक्वल टू 75 में 44 को घटा दो, तो 5 में 4 1 7 में 4 चले जाएंगे 3, यानी -31, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 31 ईयर, ठीक है, कितने होगा इस साल, 31 साल के, ठीक है। बताओ भाई कोई कंफ्यूजन है तो, होना तो नहीं चाहिए यार, एक बार एक क्वेश्चन को दो दो बार समझाता हूँ, पहले इसकी भाषा फिर अपनी भाषा में आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे तो आना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो आराम से आप कर ले जाओगे, समझे कि नहीं समझे। पहले इसे कॉपी करो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है, विदुषी इज 8 times एज ओल्ड एज हर ग्रैंड सन 4 years अगो, विदुषी वॉज 12 times एज ओल्ड एज हर ग्रैंड सन। पहले यहां तक समझो, कह रहा है विदुषी 8 times बड़ी थी अपने ग्रैंड सन से, 4 साल पहले विदुषी जो थी वो 12 times ओल्ड थी ग्रैंड सन से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर परसेंटेज, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है किसका, विदुषी का और ग्रैंड सन का, ठीक है। तो
मान लेते हैं लेट द ग्रैंड सन, ओहो बी लेट द ग्रैंड सन इज, अरे यार गड़बड़ हो रहा है, लेट द प्रेजेंट इज ऑफ ग्रैंड सन बी एक्स ईयर, ठीक, एंड विदुषी विदुषी इज बी इट एक्स ईयर, ठीक। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? हमने मान लिया कि जो ग्रैंड सन का एज था वो कितना था, एक्स ईयर था, प्रेजेंट एज, और विदुषी का कितना है, एट टाइम्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा, 4 ईयर अगो। तो अगर मैं ग्रैंड सन को और विदुषी को एक दूसरे के इक्वल कर दे तो काम हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर एक्स इज इक्वल टू 8x कर दें तो कोई बात, कर दिया। कह रहा 4 ईयर अगो, -4 अगो है तो माइनस करोगे, कर दिया। 12 टाइम्स ओल्ड एज हर ग्रैंड सन, इतना 12 गुने, बेटे को करोगे विदुषी को नहीं करोगे। देखो ये है विदुषी, लिख देता हूं विदुषी, और ये है ग्रैंडसन, यहां लिख देता हूं भाई, गलती मत कर देना, ठीक है। इन दोनों को मैं इक्वल किया हूं, सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करो यार, 12x - 12 x 48 इज इक्वल टू 8x - 4। 48 को आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे और 8x को लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 12x - 8x इज इक्वल टू -4, ठीक है। 48 माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट में लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा 48, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 4x इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 ईयर, ठीक है। ग्रैंड सन कितने का था, 11 साल का था, ठीक है, अभी इतना जल्दी निकल नहीं जाएगा, ठीक है। देयर फोर विदुषी विदुषी इज कितना आ जाएगा, 8x है, रखोगे आप तो 8 × 11 कितना आ जाएगा भाई, 88 ईयर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, दोनों का एज का जो है वो डिफरेंस पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस यहां निकालते हैं, ठीक है, यहां से ले लेते हैं, ठीक। देयर फोर द डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो इज इक्वल टू 8x - x, ठीक है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 7x, x की वैल्यू रख दो यार, 7 × 11 इज इक्वल टू 77 ईयर। दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 77 ईयर्स का, ठीक है। देख लो, देखो देखो आराम से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले देख लो, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दो। हो गया है तो नहीं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6, फिर एज का क्वेश्चन यही हम लोग एंड अप करेंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन हमने एज पे कराया, काफी है यार। कह रहा आ फादर इज 7 times as old as his son, 2 years
अगो द फादर वॉज 13 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, फादर प्रेजेंट इज कह रहा है कि एक पिता अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। ठीक है, बड़ा है, था नहीं, बड़ा है। 2 साल पहले उनके जो पिता थे वो बेटे से 13 गुना बड़े थे। ठीक है, तो बताइए कि फादर का परसेंटेज क्या है। और आसान करते हैं, ठीक है, और आसान करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फादर अपने बेटे से 7 times ओल्डर है, 2 साल पहले अपने बेटे से वो 13 times ओल्डर थे। ठीक है, यानी कि बड़े थे। तो फादर का प्रेजेंट एज क्या है, ये हमें निकालना है। कैसे करोगे? मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले मान लो, ठीक है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर। हमने मान लिया कि जो बेटे का एज है प्रेजेंट में वो एक्स ईयर है। ठीक है, एंड फादर इज बी 7x ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान रखना है। ठीक है, हमने हरा भी ले लिया, ब्लू भी, नीला भी ले लिया ना, ब्लू भी कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू हिंदी में नीला हो जाएगा पीला। ठीक है, लगेगा ढीला। चले भाई, 2 साल पहले, ठीक है, तो 2 साल पहले में क्या करोगे, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फादर को करेंगे, 7x-2 कितने टाइम्स हो जाएंगे, 13 times। तो फादर को 13 times नहीं करना है, समझो प्यारे, फादर को नहीं करना है, किसको करना है, बेटी को करना है यार। फादर को करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फादर को एक चीज कर सकते हो, 13 से डिवाइड कर सकते हो, अब मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, करें, आसान बन गया, अब तो सॉल्व हो जाएगा। लगाओ जरा सा, हम भी थोड़ा सुस्ती आ गए, लगाओ, चलो साथ साथ हम भी करते हैं। 13 को मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो यह आ जाएगा 13x, 13 को मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -26 इज इक्वल टू 7x-2। ठीक है, 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं और -26 को राइट हैंड साइड पे लेके चलते हैं, तो 13x-7x इज इक्वल टू -2, और -2 को कॉपी कर लिया, +26। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यार कितना बच जाएगा, 5x। ठीक है, 7 और 5 12, 6 बचना चाहिए ना, 6 बचेगा। ठीक है, 6 बच जाएगा। ठीक, और 26 में 2 चला जाएगा तो 24, काहे गड़बड़ हो रहा भाई, 24। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 वन जा 6, 6 4 जा 24, x इज इक्वल टू 4 years। बेटा कितने का था, 4 years का, तो बाप कितने का हो जाएगा भाई, फादर एज पूछा आपने से, ठीक है, 28 साल के। अच्छा, देयरफॉर फादर एज, फादर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7x। ठीक है, इधर सॉल्व कर रहे हैं, 7 into 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 28 years। कोई ऑप्शन है तो इस तरीके से आपका जो एज का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब आपका जो है फ्रैक्शन का क्वेश्चन बचा हुआ है वो करेंगे और एक मिक्स्ड करवा देंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो बताइए कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। आज हम लोग यहीं रोकेंगे, इसका क्वेश्चन काफी हो चुका है, इससे ज्यादा हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है।